को सही कर सकते हैं, प्लांट्स को न्यूट्रिशन दे सकते हैं, जो आपकी कॉस्टिंग उसको कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। नहीं जैसा भी, अगर अगर सॉइल अच्छी रहेगी तो ऊपर प्लांट का तो उसको तो रहना ही रहना है। बिल्कुल बिल्कुल, उसको तो प्लांट को तो रहना ही रहना है। तो मेन वही है ना सर, हम सॉइल के ऊपर ही मेन हमारा काम है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये फोटोज देख लीजिए आप, ऊपर की भी और नीचे की भी, वैसे के वैसे रहेगा उसमें, ऐसे ही रहेगा और उसकी क्वालिटी और अच्छी हो जाएगी। ठीक है, फिर बाद में जब भी डालेंगे तभी हाँ वो निकलता उसको रहेगा। सेल कर सकते हो आप, उसको पर लीटर कॉस्ट अपना बना के सेल भी कर सकते हो, इंस्टेंट मतलब उसके रिजल्ट्स हैं। उसमें क्या सब डाल सकते हैं क्या, जो भी एवरीथिंग रॉ? एवरीथिंग, आपने एक हड्डी भी डाली तो वो भी डिकम्पोज हो जाएगी। अभी तक देखिए आपने एरोबिक कंडीशन के बैक्टीरिया सुने होंगे, जैसे डिकम्पोज इज द एरोबिक कंडीशन बैक्टीरिया, राइट। लेकिन जो एनएरोबिक बैक्टीरिया होते हैं वो बहुत खतरनाक होते हैं एरोबिक से ज़्यादा। जैसे हमारे जो सेप्टिक टैंक होता है ना, इसमें कौन से बैक्टीरिया रहते हैं? एनएरोबिक, एनएरोबिक बैक्टीरिया मतलब इनको ऑक्सीजन नहीं चाहिए, बिना ये ऑक्सीजन बिना ऑक्सीजन के ये सर्वाइव करते हैं। माइकोराइजा, दे आर ऑल फंगल, ये अनएरोबिक वो है, फंगस है ये। इसको सॉइल मतलब सॉइल के नीचे ऑक्सीजन तो है नहीं है, ये सर्वाइव क्यों करता है जल्दी से? और नीचे भी और जाएंगे ये तो बाजू वाले खेत में भी चला जाता है वो, राइट। जैसे मतलब अभी अगर आप यहाँ पे अपन और डाले बैक्टीरिया और नीचे गए तो जमीन में जैसे अपने इसको थोड़ा ये नमी में चलती है एनपीके बैक्टीरिया को जो है कंसोर्टिया बोलते हैं उसको, ट्राइकोर, ये सब जो ये अगर जमीन के नीचे भी चले गए तो उसका वो काम करते रहेंगे। देखिए अभी काम नहीं कर रहे हैं वो, बार बार डाल रहे हो, थोड़े रिजल्ट्स कम आ रहे हैं। उसका रीजन ये है कि वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में सर्वाइव करने वाले बैक्टीरिया, उन मिट्टी के नीचे हमने कैसी कंडीशन बना दी, पैक हो गए ना पैक सब, हो गए हैं। तो या तो पैक वाले डालो या तो मिट्टी को खोल के खुले वाले डालो, खुले आप वाले समझ रहे हो डालो। ना, ये दोनों में से एक आपको सॉल्यूशन करना पड़ेगा। तो अभी किसान थोड़ा यहाँ पे कंफ्यूज हो जाता है, इसलिए वो थोड़ा सा बैक फुट से ना थोड़ा थोड़ा करता है। जैसे आपने बोला हम सब कर रहे हैं लेकिन डिकम्पोजर भी कर रहे हैं, तो हम मतलब इसी दिशा में किसानों को लेके आ रहे हैं और रिजल्ट ओरिएंटेड हम लोग काम कर रहे हैं। जैसे देखो बना डीकम्पोजर किसमें आता है? और डीकम्पोजर एरोबिक उस कंडीशन में आता है ये, वो भी एरोबिक में। तो हाँ एरोबिक में आता है ये। क्या अभी जैसे अपने को अभी अगर वो डालने रहेंगे जी? जो नीचे वाले जो बैक्टीरिया है तो अपने को क्रेडिट कंडीशन में मिलेंगे क्या ऐसा? मिलेंगे ना आपको, हमारी खुद की लैब है, हम खुद ही तैयार करते हैं। तो लाइफोलेजल क्या टेक्नो, कॉस्ट जाएगा वैसा 1000 के लिए उसका? उसका कॉस्ट तो अभी समथिंग समथिंग, इनकी फैमिलीज अलग अलग होती हैं सर, समझिए पहले, है ना। समथिंग समथिंग 9 बैक्टीरिया की फैमिलीज होती हैं और 7 फंगस की फैमिलीज होती हैं। एक ही इसमें कन नहीं अलग अलग होती हैं ये, वो सब अलग अलग आते हाँ। हैं। अभी तक जैसे आपने सिर्फ टाइकोडर्मा का नाम सुना है, हाँ तो जैसे टाइकोडर्मा एक फंगस है, ऐसी लगभग 7 प्रकार की फंगस होती हैं। जैसे आपने पेस्लोमाइसिस लीलेसेना सुना है, वो निमेटोड्स के लिए होती है, बैसिलो पैसिलो ये सब सुना। हाँ ठीक है। बैसिलस सबटिलिस का नाम सुना है आपने? सुना हाँ है ना आपने? ये इसका सुना होगा आपने, ये वर्टिसिलियम का सुना होगा, वर्टिसिलियम भी सुना है, मेटारिजम आपने सुना होगा, बेसिलस थुरिंजिएंसिस से सुना होगा बेसिले वो भी सुना। आपने, बीबीवेरिया सुना है, मतलब आप हाँ जानते हो। तो ये फैमिलीज हो गई, ये 7 फैमिली अलग हो गई अलग अलग बैक्टीरिया में। जैसे डिकम्पोजर के अलावा जैसे एजेटोबैक्टर एसिटोबैक्टर है, राइजोबियम है, एजोस्पाइरलम है, दे आर ऑल नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। उसके बाद फिर हम पोटास की बात करेंगे, पोटास मोबिलाइजिंग बैक्टीरिया, फिर फास्फोरस मोबिलाइजिंग बैक्टीरिया, फिर जिंक सल्बुलाइजिंग बैक्टीरिया, फिर सल्फर सल्बुलाइजिंग बैक्टीरिया। तो ये पूरा एक फैमिली हो जाता है, एक न्यूट्रिशन फर्टिलाइजर का ये फैमिली हो गया बैक्टीरिया बेस्ड, एक फैमिली हो गया आपका फंगल जो फंगल। प्रोटेक्शन करता है, जैसे फंगस को, निमटोड्स को, कीटों को, पेस्ट को, तो दे आर ऑल नेचुरल प्रोसेस। तो इनको हम लोग मतलब प्रॉपर तरीके से हम इनको इनके मदर कल्चर से हम रेडी करते हैं, फार्मर्स को देते हैं। समथिंग समथिंग एक मदर कल्चर अभी इसकी जो कॉस्टिंग आती है एक सिंगल मदर कल्चर की 100 रुपीज़ के समथिंग में आती है पर लीटर पर लीटर, नहीं हमारा एक कैप्सूल फॉर्म में आता है, नैनो छोटे फॉर्म, हाँ नैनो नैनो फॉर्म, फॉर्म में हाँ। फिर उसको डेवलप, जो 10 लीटर 20 लीटर के बराबर उसकी स्ट्रेंथ होती है, आप जो रेडी लेके आते हो ना उससे तो उसका कल्चर बनाना बना सकते हैं ना उसका आप तो। कल्चर, हाँ जी दिखा देती है, अच्छा लाए है ना, दिखा देता हूँ। जैसे ये देखिए,